नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाला है राजस्थान हाईकोर्ट LDC जिसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की, वो है 22 सितंबर, मतलब कि 22 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 22 सितंबर 2022 इसकी अंतिम तारीख है, तो उससे पहले पहले आप फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। यदि आपने ग्रेजुएट पास हो, यदि आपने BSc BCOM जो भी कर रखा है, तो आप इसके लिए फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना, क्योंकि दोस्तों राजस्थान की यू मान लेना ये बम्पर भर्ती है और सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहने वाला है, और सबसे बड़ी बात है इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, टाइपिंग में किस प्रकार नंबर मिलेंगे, किस प्रकार टाइपिंग करनी है, इसकी सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कैसे होता है, सभी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप इसके लिए फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। आप वेट मत करना अंतिम तारीख का, उससे पहले पहले ही फॉर्म जरूर भर देना। राजस्थान के हो, राजस्थान के अलावा किसी भी राज्य से हो, मेल हो या फीमेल हो, इसके लिए आप फॉर्म जरूर अप्लाई करना। अब मैं बात कर लेता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है कि इसमें सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो मैंने आपको पहले दोस्तों वीडियो बनाकर बता दिया था 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके और इंडिया जीके के आएंगे, ठीक है, जिसमें राजस्थान जीके का दोस्तों महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। तो टोटल मिलाकर दोस्तों कितने क्वेश्चन हो गए, 300 अंक। पहले आपका पेपर लगेगा, उसके बाद में टाइपिंग होने वाली है। दोस्तों आपको तैयारी है वो आज से शुरू कर देनी है, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। अब मैं बता दूं आपको दोस्तों इसकी एग्जाम कब तक लग सकती है, उसके बाद में हम सैलरी के ऊपर चलेंगे, टाइपिंग के ऊपर चलेंगे, प्रमोशन के ऊपर चलेंगे। तो एग्जाम डेट के ऊपर दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, फॉर्म भरने की तारीख है वो है 22 सितंबर। कितनी तारीख है, 22 सितंबर, मतलब कि सितंबर का पूरा महीना दोस्तों फॉर्म भरने में चल जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों अगला महीना आ रहा है अक्टूबर का, उसमें आपकी परीक्षा नहीं लगेगी, नवंबर में भी आपकी परीक्षा नहीं लगेगी। राजस्थान हाईकोर्ट LDC की जो एग्जाम लगने वाली है वो आपकी दिसंबर के महीने में 100% ले ली जाएगी। कब ले ली जाएगी, दिसंबर 2022 में आपकी एग्जाम है राजस्थान हाईकोर्ट LDC की, वो पूरे पूरे नजर आ रहे हैं कि दिसंबर के फर्स्ट में ही आपकी एग्जाम है वो ले ली जाएगी। तो जो अभी आपका डाउट आ रहा था कि इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, दिसंबर के फर्स्ट में आपकी एग्जाम है वो ले ली जाएगी। तो आपके पास ज्यादा नहीं दोस्तों 3 महीने का समय बचा है, तो 3 महीने आपको शानदार तरीके से तैयारी करनी है जिससे आप सिलेक्शन ले सको। आपको जो तैयारी करनी है वो दिसंबर फर्स्ट मान करके ही करनी है, इससे आगे आपको नहीं जाना है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट अब जाग चुका है और आपकी परीक्षा वो 100% कब ले लेगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी एग्जाम है वो ले लेगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा आएगा, वो मुद्दा यही आएगा कि हमको तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बता दी, बहुत ये भी बोलते हैं कि फलानी बुक से पढ़ लेना, ढेकी बुक से पढ़ लेना। दोस्तों जिसकी बुक होती है ना, जिस लेखक की, वो लेखक अपनी बुक को ज्यादा अच्छी बताता है और वो बोलता है कि ये बुक ले, इसको पढ़ो। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा दोस्तों, जो भी आपके पास बुक है, आपका काम है उस बुक को पूरी तरह से पढ़ लेना। आपका एक भी क्वेश्चन उस बुक से यदि आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। तो आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है, कोई भी बुक हो, कोई भी मार्केट से बुक खरीद लो, आपको उसको पूरी तरह से पढ़ देना है, और सिर्फ एक बुक पढ़नी है। ऐसे नहीं है फलाने यूट्यूबर ने बता दिया उसकी भी किताब ले आई, फलाने ने बता दिया उसकी भी किताब ले आई और फड़ी कोई सी भी नहीं। एक कोई सी भी गाइड ले लेना, उसको पूरी तरह से आपको फट के पटक देना है, सिलेक्शन आप आराम से ले जाओगे। टाइपिंग दोस्तों मैं आपको बता दूं, टाइपिंग भी आपको साथ साथ लेकर चलना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, तो पेपर तो आप पास कर जाओगे लेकिन आप टाइपिंग के अंदर भार हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, रोजाना दोस्तों 1 से 2 घंटे टाइपिंग को भी देना है और अपनी तैयारी भी साथ साथ करते रहना। अब मैं आपको बता दूं इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। दोस्तों सैलरी जो मिलेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा पूरी तरह से, जब सैलरी मिलेगी दोस्तों, तो शुरू के 2 साल जब आप प्रशिक्षण पे रहोगे उस समय आपकी सैलरी मिलेगी दोस्तों, प्रशिक्षणार्थी के रूप में वो मिलेगी 14,600 रुपए। कितनी मिलेगी, 14,600 रुपए मिलेगी। और जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं उसके बाद में दोस्तों आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 20,800 रुपए। कितनी मिलेगी, 20,800। और आपकी सैलरी दोस्तों बढ़ती भी रहेगी। तो सैलरी के बारे में दोस्तों मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, अच्छी खासी सैलरी है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, टाइपिंग को लेकर ज्यादातर का डाउट आता है कि हम तैयारी के साथ साथ टाइपिंग करनी चाहिए या फिर एग्जाम लग जाएगा उसके बाद में टाइपिंग के लिए समय मिलेगा। दोस्तों आपको टाइपिंग के लिए समय नहीं मिलेगा। जो भी ये सोच रहे हैं ना कि सिर्फ मैं 1 महीने में मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी कर लूंगा, मैं सिर्फ 1.5 या 2 महीने में बहुत अच्छी टाइपिंग कर लूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको भी पता होगा टाइपिंग दोस्तों हिंदी में भी आपको करनी है और इंग्लिश में भी करनी है। इंग्लिश में आप कर सकते हो लेकिन हिंदी में करना दोस्तों बहुत कठिन है। तो आपको क्या करना है, अभी से आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी जारी
जारी रखो, उसी के साथ एक से दो घंटे आपको अभी से टाइपिंग शुरू कर देनी है यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। दोस्तों मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो बेझिझक कमेंट करके बता देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पर यदि आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।